सभी को उनके दर पे आई है बहुत दूर से और कैसे कह रही है बाबा से या मेरी ताजुद्दीन वालिया कहना है बहुत दूर से आई हूँ उनके दरबार में और क्या कहना चाहती हूँ क्या अरदास है मेरी दूर से
Yeah.
पर्दे से, या मेरे ताजो सिंधिया निकल भी आओ कभी आप अपने पर्दे से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। इसे जुनून कहो, इसे जुनून कहो या अपनी बेखुदी, इसे जुनून कहो या बेखुदी, अपनी नमाज में भी तुम्हारा ख्याल आया है। और इस बंदे मैं बाबा से तवज्जो चाहती हूँ, कहना क्या है, और जितने भी ताजुद्दीन बाबा के दीवाने बैठे हुए सभी से कहना क्या है, आपके दर की दासी हूँ मैं, आपके दर पे
आग बुझाना पाऊं ऐसा तो नामुमकिन है। आगे क्या कहना चाहते हो सबसे तवज्जो चाहती हूँ और बाबा से भी कहना है। प्यारे नबी का आल का सदका, प्यारे नबी की आल का सदका, उनके दर पर बढ़ता है। प्यारे नबी की आल का सदका, उनके दर पर बढ़ता है। प्यारे नबी की आल का सदका, उनके दर पर बढ़ता है। प्यारे नबी की आल का सदका, उनके दर I'm not afraid।
आगे क्या कहना चाहती हूँ, वही बाबा है जो हमें बतलाते हैं सही और गलत में फर्क। वो हमारे सामने नहीं, हमारे दिल में है और वो एहसास दिलाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए क्या कहना चाहती हूँ, दुनिया क्या है बलियों ने ये, दुनिया क्या है बलियों ने ये बात बताई है मुझको। बाबा से तवज्जो चाहती हूँ इस बंद पे, और अपनी बेटी को अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कहना है, हाल मेरा तो शीता नहीं है, हाल मेरा तो शीता नहीं है, तुमसे मेरे या बाबा।
सुना उनसे, वो तो सबके हाल जानते हैं, इसलिए कहना चाहती हूँ। होती हुई थी या मेरे बाबा ताजुद्दीन, कहना क्या चाहती हूँ। होती हुई थी रे बाबा, होती हुई थी रे बाबा, गैर की जान और यहाँ पे जितने सभी बैठे हुए हैं उनके दीवाने सभी से तवज्जो चाहती हूँ। कहना क्या है अंतिम बात है, सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं और साथ में कहना है। मैं भी जाऊं की और मेरी भी, कहना क्या है कलकत्ता के फिरोज दफ्तर शाह इस मनकवत को लिखे हैं निस्बत को, और वो क्या कहना चाहते हैं। मैं भी जाऊं की और मेरी भी तकदीर सो जाऊं ऐसा तो ना।